वेरी शाइनिंग मॉर्निंग एंड हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इतिहास और हमारा नागरिक जीवन, जिसमें नागरिक जीवन में हमारा सेक्शन है आज व्यवस्थापिका कानून बनाना पार्ट दो, जिसका अध्ययन कार्य हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम इसके आगे का अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। सही उत्तर है 5 वर्ष। ख है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या है। सही उत्तर है 100। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? उत्तर है, संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये तीनों सूचियां इस प्रकार हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आइए पढ़ते हैं इन सूचियों के विषय में। संघ सूची, इस सूची के विषयों पर विधि या कानून का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन एवं डाक विभाग। अब पढ़ते हैं राज्य सूची के विषय में। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं पुलिस, स्वच्छता, मत्स्य पालन, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, पशुधन, निचली अदालत, कारागार एवं सड़क। अब जानते हैं समवर्ती सूची के विषय में। समवर्ती सूची कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में दिए गए कुछ विषय निम्नवत हैं, जैसे चिकित्सा, वन, विवाह, समाचार पत्र, पुस्तकें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार तथा धार्मिक संस्थाएं। यदि समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर संघ और राज्य के कानूनों में मतभेद होता है, तो संघ के कानून को मान्यता दी जाती है। संविधान में यह भी व्यवस्था है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के 2-2 विषय लिखिए। उत्तर आपके सामने है। केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं विदेशी मामले, डाक एवं तार। राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं सिंचाई एवं पुलिस, और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं चिकित्सा एवं शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के कार्यों को लिखिए। उत्तर है, लोकसभा के कार्य निम्नलिखित हैं, कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में कोई एक अंतर लिखिए। उत्तर है, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यसभा केवल इन पर चर्चा कर सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधेयक के कानून बनने के 3 चरणों को प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, पहला चरण, साधारण विधेयक किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में विधेयक पारित होना अनिवार्य है। तीसरा चरण है, यदि विधेयक के पक्ष में आधे से अधिक सदस्यों का मत हो, तो वह विधेयक सदन में पारित हो जाता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है? उत्तर है, खर्चे या आमदनी से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति पहली ही बार में हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद विधेयक को मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है।
इन विधेयकों को केवल लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा में इन पर केवल चर्चा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अपने प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए। उत्तर है, हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। यह राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बनती है। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता है। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सामान्यतः विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। इसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा तथा 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वही व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है जो 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधान परिषद के सदस्यों को विधायक या MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही एक सभापति और एक उपसभापति चुनता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना है। विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी हमारे उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के विषय में। बढ़ते हैं हमारे अगले अभ्यास कार्य की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का संघ कई रिक्त स्थान से मिलकर बना है। खा संविधान में शिक्षा से संबंध रखने वाले विषय रिक्त स्थान सूची में दिया गया है। गा लोकसभा राज्यसभा तथा रिक्त स्थान को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। घा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक रिक्त स्थान हो सकती है। उत्तर ये रहे आपके सामने। का राज्यों, खा समवर्ती, गा राष्ट्रपति और घा 250। अभ्यास कार्य के अंतिम पड़ाव पर है, सही मिलान कीजिए। केंद्र सूची का विषय डाक तथा तार, लोकसभा की बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ ही पार्ट 2 व्यवस्थापिका कानून बनाना समाप्त हो जाता है। लेकिन आपका कार्य यहाँ पर समाप्त नहीं होता, बल्कि आपका कार्य यहाँ पर शुरू होता है। ये सारा अभ्यास कार्य आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के अध्ययन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।